भारत के सभी साधु संतों का आशीर्वाद है। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा सब संत एक साथ। वागेश्वर धीरेन्द्र धीरेन्द्र शास्त्री जी भी एक हिंदू सनातन धर्म के बालक हैं और हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहे हैं। वो भी प्रयागराज आ रहे हैं। हम उनकी बातों को आगे बढ़ाएंगे, हिंदू समाज को एक करेंगे और पूरा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि सनातन पे जो कुठाराघात करने वाले लोग हैं, जो सनातन को तोड़ना चाहते हैं, उनके लिए आवाज उठाई जा रही है। कुंभ से, माघ मेले से, ये सारे साधु संत एक स्वर में एक ही बात कह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। और जिस तरीके से बागेश्वर धाम सरकार ने अपील की है, उसे आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ऐसे तमाम लोग आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, हर कोई दुखी पीड़ित। अब एक ही उनका आसरा है, बाबा जी, बालाजी का ये दिव्य बागेश्वर धाम दरबार। हम बजरंगबली की पूजा करते हैं, उन्हीं के सहारे जिंदगी जीते हैं, और उनकी कृपा होगी तो बच्चा भी ठीक होगा, हमारे मुलाकात भी होगी। उस जगह से दवा चला है लेकिन कोई सुधार हल्का सा है, लेकिन यहाँ जब हम बाबा का वीडियो देखे कि कोई बच्चे खड़े हो जा रहे हैं, थोड़ा सा उठना शुरू कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आसरा लेके आए हैं। मैं बीमार होती हूँ, बहुत तो भूत खेलते हैं कूदते हैं। बच्चा आप देखें तो तस्वीर जो है बेहद द्रवित करने वाली है, कितना संसार में दुख और कष्ट है। देखिए अब जब अर्जी लगेगी तो बाबा जी क्या बताएंगे, गुरुदेव क्या बताएंगे, तब पता चलेगा। ऐसा शायद ही कभी देखने को मिला हो, जब लोगों को ऐसा लगता है कि जब कोई इलाज, कोई पैथी, कोई तरीके से उनका बच्चा, उनका अपना ठीक नहीं हो रहा है, और ऐसे में बालाजी के आशीर्वाद से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उनको पूरी तरह से ठीक कर देंगे। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ पानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। कहते हैं आस्था और अंधविश्वास के बीच बेहद कमजोर दीवार होती है। आस्था और अंधविश्वास को लेकर चल रहे विवाद के बीच जिसे लोगों ने चमत्कार कहा, न्यू स्टेट ने प्रयागराज में उसे बेहद करीब से देखा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी, न्यू स्टेट स्पेशल देख रहे हैं आप। प्रयागराज में बाबा बागेश्वर यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार लगा। धीरेन्द्र शास्त्री दरबार से पहले संगम में डुबकी लगाते नजर आए, इसके बाद अपने समर्थकों के बीच वो पहुंचे। वहां क्या कुछ हुआ वो आज आपको दिखाएंगे। साथ ही इस बार बाबा के दरबार के गवाह बने मानवेंद्र प्रताप से भी आपको आज मिलवाएंगे। हम आपको पहले ही बता दें कि न्यू स्टेट किसी भी चमत्कार का कोई दावा नहीं करता है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में जो कुछ हुआ न्यू स्टेट के कैमरे में कैद हुआ है, खुद न्यू स्टेट उसका गवाह बना है। भारत के सभी साधु संतों का आशीर्वाद है। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु मानुष न जानिए, यह सब है नंद किशोर। हमें बहुत आज कष्ट है कि हमारे कारण आप लोगों को इंतजार भी बहुत करना पड़ा और कई लोगों को कष्ट भोगना पड़ा। तो हमें क्या बताओगे, इसे भी इतने पगला है, अगर हम जाने के इतने पागल हैं तो और पहले आ जाते। बोलिए बजरंग की बली महाराज की, बोलिए जयकिशोर की बाणी लाल की। ये बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार है जो प्रयागराज में लगा है। संगम किनारे बागेश्वर का दरबार सजा तो अर्जी लगाने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। आज के दरबार की आज्ञा में हमने प्रारंभ में ही चार अर्जी बनवा ली है गुरु जी की प्रेरणा से। संगम नगरी में सजे दरबार में धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों का पर्चा निकालना शुरू किया। सबसे पहले चार पर्चे निकाले। धीरेन्द्र शास्त्री जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं, अपने दरबार की शुरुआत उन्होंने उसी अंदाज से की। पहले नाम पर पुरुषों की अर्जी स्वीकार हुई है, पीछे में शुभम नाम का, शुभम सिंह नाम का बालक बैठा हुआ है, तुम्हारी अर्जी स्वीकार है, आ जाओ। और पीले रंग का टी शर्ट होना चाहिए इनके ऊपर, आ जाओ।
धीरेन्द्र शास्त्री ने शख्स की पहचान बताई, उसका हुलिया बताया। जिस शख्स को बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने मंच पर बुलाया, उसके मंच पर पहुंचते ही पर्चा निकाला गया। यहाँ तुमने किसी को नाम लिखवाया था क्या? नहीं। अपना हुलिया बताया था? नहीं गुरुजी। किसी ने पूछा तो नहीं था? नहीं गुरुजी। झूठ तो नहीं बोल रहे? पाप लगेगा। रूम पर बैठ के अर्जी लगाई थी, हमारी मौसी ने हमको बताया था गुरुजी। घर का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आर्मी बनेंगे, कृपा होगी, मामा को भी आशीर्वाद है, विवाहियों का आशीर्वाद। इसी तरह से धीरेन्द्र शास्त्री ने मंच पर बाकी के तमाम अर्जी वाले लोगों को भी मंच पर बुला लिया। रजनी, रजनी नाम की माताजी की अर्जी स्वीकार हुई है, और ये रजनी नाम की माताजी पीछे में विराजमान है। यहाँ तुमने नाम लिखवाया था किसी? सब कुछ नहीं बताया। आपकी हमेशा वीडियो देखते थे, हमेशा आपने कहा है कि ये सब जो कपोल कल्पना है ये लोग नहीं मानते हैं। आज की भी चमत्कार देख लिया। बोलो बागेश्वर धाम की जय, बोलो सन्यासी बाबा की जय, बोलो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की जय। लेकिन साथ में उन्होंने अपने ऊपर उठ रहे सवालों को लेकर मंच से तंज भी कसा। हम एक बात बोलेंगे, अपना नाम, अपना नाम, अपनी समस्या और अपनी परेशानी किसी को भी ना बताएं। अगर बताओगे तो अंधविश्वास में बढ़ावा तुम ही दोगे, पाप के भागीदार तुम ही बनोगे। इस बीच दरबार में मौजूद न्यूज स्टेट संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह को बागेश्वर के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने खड़ा किया। आपको बुलाएंगे नहीं, आप बहुत चतुर, बहुत बुद्धिमान आदमी हो और अपने आप को बहुत तार्किक भी मानते हो और बहुत ऑब्जर्व बुद्धि से यहाँ पर बैठे थे दिमाग लगा करके। तो हम चाहेंगे कि पर्चा हमने लिख कर रख दिए हैं, तुम जिनको भेजते जाओगे उनका पर्चा निकलता जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने मानवेंद्र से अपना परिचय मांगा। महाराज जी, मेरा नाम मानवेंद्र प्रताप सिंह है, मैं न्यूज नेशन न्यूज चैनल में संवाददाता तो मैं पकड़ूंगा। लेकिन इससे पहले ही उन्होंने अपने पर्चे मानवेंद्र को दिखा दिए। हम आपको अपने अपने कैमरों पर, जो भी न्यूज वाले हैं अपने अपने कैमरों पर देख लीजिए। एक नंबर है ये, इसको आप जूम कर सकते हैं, ये एक नंबर का पर्चा है, ये दो नंबर का पर्चा है, ये तीन नंबर का पर्चा है और ये चार नंबर का पर्चा है। इसके बाद मानवेंद्र ने चार लोगों को खड़ा किया। यहीं खड़े खड़े पड़ा। घर पर बेटे को बीमारी बनी है, ठीक होगा समय लगेगा, नसों में दिक्कत है, पूर्ण आराम लगेगा, ब्लॉकेज है, चल नहीं पाता, परिवार में भी सामंजस्य बना रहेगा, आशीर्वाद है। आप अपनी समस्या बोलो, क्या रही है? मैं बीमार रहती, दो बेटी हैं, पुत्र नहीं है। ठीक। और श्रीमान जी, इनको कौन से नंबर का पर्चा खोलना है? जी पढ़िए। स्वास्थ्य लाभ होगा, बेटी को सिर में ब्रेन में दिक्कत है, फिट की दिक्कत बनती है, मिर्गी पढ़ते जाइए, मिर्गी का दौरा है, लाभ हो जाएगा, आशीर्वाद। बोलो सीताराम, सीताराम। 3 साल का समय लगेगा, बालाजी कृपा करेंगे, परिवार ठीक रहेगा, बालक को दिक्कत बनी हुई है, मूक बंद है, समय लगना है, पूर्ण आराम नहीं, 20% लाभ होगा, आशीर्वाद। एक तरफ बाबा के चमत्कार के दावे जिनको मानवेंद्र सिंह ने दरबार में खड़े होकर महसूस किया, दूसरी तरफ सवाल ये भी कि इन लोगों को मानवेंद्र की रिपोर्ट में न्यूज स्टेट सुबह से दिखा रहा था, तो आखिर मानवेंद्र के बुलाए लोगों का बाबा के पर्चे से क्या कनेक्शन है? टीम न्यूज स्टेट। न्यूज स्टेट संवाददाता मानवेंद्र सिंह को धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों के सामने खड़ा किया। आखिर उन्होंने क्या महसूस किया, क्या देखा, संवाददाता मानवेंद्र सिंह से इस रिपोर्ट में सुनिए। प्रयागराज में आज बागेश्वर धाम सरकार का दरबार सजा था, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मंच पर थे, उसी समय उन्होंने हमको बुलाया और मंच के सामने हमसे कहा कि आप जो है बहुत ज्यादा तार्किक हैं और बहुत ज्यादा संशय करते हैं हर बात पर, और आप किन्हीं चार लोगों को जो यहाँ पर दर्शक, जो यहाँ पर लोग बैठे हैं, उनमें से किन्हीं चार लोगों को बुलाए और हम उनकी अर्जी लेंगे। तो हमारे साथ उनमें से ये दो महिलाएं हैं जिन चार लोगों को हमने खुद जाकर के यहाँ से लोगों को लेकर के हम अंदर आए थे और उसके बाद एक एक करके उनको भेजा था ऊपर मंच पर धीरेन्द्र शास्त्री से बात करने के लिए। पहली महिला ये है जो जिनको हमने भेजा था। आप बताएं क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? मेरा नाम
मेरा नाम सुदेश है, बुलंदशहर के गालिमपुरा गांव से आई हूँ। ये बुलंदशहर से आई थी और अंदर बैठी हुई थी, वहाँ से हम इनको जा करके अंदर से लेकर के आए हैं और इनको हमने मंच पर भेजा था। क्या समस्या थी आपकी, क्या समस्या लेके आई थी? मैं समस्या लेके आई थी कि मुझे परेत बाधा की समस्या थी जो मुझे परेशान करती थी। भेजा था इनकी अर्जी जो है वो पंडित जी ने स्वीकार की थी। क्या नाम है आप? जय बालाजी। शीला देवी। शीला देवी कहाँ से आई है? शीला देवी प्रयागराज ग्राम बस्तर। कैसे न अपने से खा पीता है न तो हाथ चलाता है, मतलब पूरी प्रॉब्लम है बच्चे को। न्यूरो की समस्या कितना बड़ा, कितनी उम्र है इस बच्चे की? कब से समस्या? 10 साल हो गया। दिल्ली एम्स से डॉक्टर जवाब दे दिए, जब से हम बालाजी की पूजा करने लगे ये ठीक है। बालाजी की पूजा करने लगे ठीक है। आज जब उन्होंने बुलाया तो जो समस्या आपकी लिख के दी पर्चे पर वो सही थी? हाँ सर, थी। पहले भी आप उनसे मिल चुके? उनकी हमेशा पूजा करते आ रहे हैं 3 साल से। जब हर एक जगह से हार गए तो हम बालाजी की पूजा करने लगे। आपको क्या लगता है उनके आशीर्वाद से ये बच्चा ठीक हो जाएगा? ठीक हो जाएगा, हमें विश्वास है। ये एक महिला है जिनको हमने यहाँ अंदर से, जो यहाँ पर लोग बैठे थे तमाम जो श्रद्धालु आए थे उनके बीच से उठा करके वहाँ मंच तक पहुँचाया था। इनकी अर्जी सुनी है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने और इनका कहना है कि जो इनकी समस्या थी वो उन्होंने सही हूबहू बताई है और इन्हें पूरा विश्वास है कि इनकी जो समस्या है उसका निराकरण जरूर होगा। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। दरबार की कहानी सुन रहे हैं आप कैमरे की जुबानी और खुद मानवेंद्र प्रताप सिंह संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ अभी लाइव कनेक्ट है, आपको उनसे मिलवाते हैं। मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानवेंद्र, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर सरकार के नाम से जाने जाते हैं, एक बेहतरीन कथावाचक है। हाल ही में सुर्खियों में आए क्योंकि आरोप लगा कि अंधविश्वास फैलाते हैं, लेकिन फिर रायपुर में भी उन्होंने दरबार लगाया, उसके बाद आज प्रयागराज पहुंचे, प्रयागराज में दरबार लगाया। आज का दरबार आपका आंखों देखा दरबार है, कैसा अनुभव था आपका? जी देखिये, शुरू से लेके आखिरी तक वो जिस तरह से लोगों को बुलाते रहे, जब हमसे उनकी बात हुई उसके पहले उन्होंने कहा कि पीछे एक महिला बैठी है, उसका नाम उर्वशी है, इस रंग का कपड़ा पहना है और यहाँ से आई है और वो मेरे पास आ जाए, उसकी अर्जी स्वीकार हो गई। ऐसे 4-5 लोगों की अर्जी उन्होंने ली। जब वो मंच पर आए तो सामने एक हमारे एकदम बैठे थे, मैं ठीक उनके सामने बैठा था और हमारा उनका आई कॉन्टेक्ट हुआ तो हमने एक तरह से उनको चैलेंज किया कि आप में शक्ति है तो आप हमसे बात करिए। तो उसके बाद उन्होंने बाद में हमको खड़ा किया और हमसे बात की और ये जो है साथ में ये भी कहा उन्होंने कि मुझे तुम्हारे ऊपर क्रोध आया क्योंकि तुम जो है तार्किक हो और बहुत ज़्यादा जो है इस तरह से तुम्हारे दिमाग में चीज़ें चल रही थी। उसके बाद हमसे कहा कि 4-5 लोग बैठे हैं, 4-5 लोग ऐसे हैं जिनको तुमको बुलाना है, इस पब्लिक के बीच से आप जाइए और उन लोगों को लेकर के आइए, उनकी ये 4 पर्ची है वो लिख करके हमारे हमारे हमने रख की है और आप जिनको लेके आओगे उन्हीं की पर्ची होगी ये। तो उसके बाद हम जब पब्लिक के बीच में गए, चूंकि हजारों की भीड़ थी तो कोई हमारा पैर पकड़ ले रहा था, कोई हाथ पकड़ ले रहा था कि हमको जो है वहां पर लेके चलिए क्योंकि 4 लोगों को आपको लेके जाना है। तो उसके बाद हमने 3-4 लोग जो हमें वहां पर सबसे ज्यादा पीड़ित दिखाई दिए, जो बच्चों के साथ आए थे उनको खोजने की कोशिश की क्योंकि तमाम छोटे छोटे बच्चे थे और दूर दूर से लोग लेकर के आए थे। तो 3 ऐसे लोग मिले जिनके बच्चे किसी तरह की बीमारी से, व्याधि से पीड़ित थे, उनको लेके गए। एक महिला आखिरी में मिली, उसको हम लेकर के गए और मंच पर गए। फिर उन्होंने जब उसको सामने बिठाया तो हमसे फिर पूछा कि इनके नाम की पर्ची तुम जो नंबर बताओगे उसमें लिखा रखा है। फिर मैंने जो नंबर बताया वही नंबर उस महिला की या उस पुरुष की पर्ची का निकला। उन्होंने उस पर पहले से उसकी समस्याओं को लिखा हुआ था, साथ में उसका कुछ उपाय और कुछ निराकरण भी लिखा हुआ था। फिर उससे बात हुई, फिर वो लोग जब नीचे आए तो उनसे हमने पूछा कि आपकी जो समस्या थी क्या हूबहू वही उन्होंने लिख रखी थी? तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल लिख रखी थी और जो हम जो मन में प्रश्न लेकर आए थे वो प्रश्न रखा हुआ था। और उसके बाद वो लोग इस बात पर विश्वास था उनको कि उनकी चूंकि अर्जी स्वीकार की है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने तो उनकी समस्या भी दूर होगी। तमाम ऐसी बीमारियों तो से लोग पीड़ित थे जो एम्स तक उन्होंने वहां पे लिखा था, उनके बारे में जानकारी उन्होंने वहां लिखी थी। मानवेंद्र बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मानवेंद्र ने आंखों देखा आज दरबार का वर्णन किया है। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक ले, यहां पर रुक रहे हैं, जल्द वापस लौट रहे हैं। जब तक तुम बालाजी के नहीं हो जाओगे तब तक हम तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले हैं।